हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। सो गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जीरोज कैसे निकालेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे और इस मेथड की हेल्प से वी फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड में वी हैव टू फाइंड द फैक्टर फॉर 18। 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 एंड 2। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। 2x कॉमन ले लेंगे, सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3x प्लस 1। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, सो वी लेफ्ट विथ 3x माइनस प्लस 1। सो फैक्टर आ जाएंगे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। पी ऑफ एक्स को जीरो कंसिडर करा है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3। सो दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इन वैल्यूज पे जो पर्टिकुलर पॉलीनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू जीरोज होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो इसके लिए वी फाइंड सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा एलसीएम 6 माइनस 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। सो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा 7 अपॉन 6। और वी कैन से दैट सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कोफिशियंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशियंट coefficient of x upon coefficient of x upon coefficient of x square coefficient of x square। तो अगर आपको जो polynomial given है उससे भी आप check करेंगे तब भी minus 7 upon 6 ही आएगा। Now we find the product of zeros। Product of zeros, so product of zeros क्या हो जाएगा? Is equal to 3 upon 2 multiply minus 1 upon 3 which is equal to माइनस 1 अपॉन 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और वी कैन से दैट कांस्टेंट टर्म ओनली, कोफिशियंट भी नहीं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप पॉलिनोमियल में देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2 के। हेंस ये प्रूफ कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।